गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है और इसमें आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी पढ़नी है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी के गुणधर्म, समांतर श्रेणी के गुणधर्म के बारे में बात करनी है। इसमें आप कह सकते हैं लेट A1, A2, AN एंड B1, B2, BN आर टू APs विथ कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 रेस्पेक्टिवली एंड K belongs to R not, then माना A1, A2, A3, AN और B1, B2, B3, BN दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके सार्वंतर क्रमशः D1 और D2 है और K कोई नॉन जीरो रियल नंबर यानी अशून्य वास्तविक संख्या है। तो देखिए, A1 प्लस माइनस K, A2 प्लस माइनस K, A3 प्लस माइनस के, AN प्लस माइनस के ऑलवेज इन AP विथ कॉमन डिफरेंस D1, कि जो AP है उसकी हर टर्म में कोई भी वास्तविक संख्या या कोई भी रियल नंबर ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों ही केस में हमेशा AP रहेगी और उसका सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा। दूसरा है A1 के, A2 के, AN के एंड A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, AN अपॉन के ऑलवेज इन AP विथ कॉमन डिफरेंस KD1 एंड D1 अपॉन K रेस्पेक्टिवली। तो आपने ये कहा कि AP में हर टर्म में K से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, हमेशा AP रहेगी और कॉमन डिफरेंस भी उसके अकॉर्डिंग, अगर मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड किया है तो कॉमन डिफरेंस में भी डिवाइड हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं इन शॉर्ट कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसके प्रत्येक पद में कोई रियल नंबर या वास्तविक संख्या जोड़ दूं, घटा दूं, गुणा कर दूं या भाग लगा दूं, समांतर श्रेणी ही रहेगी और जोड़ने और घटाने पर भी तो सार्वंतर भी नहीं बदलता और गुणा और भाग करने पर सार्वंतर में उस नंबर के का गुणा या भाग हो जाता है। और हमने ये कहा कि A1, A2, A3, AN, AP में है, उसके ईच टर्म्स के अंदर कोई रियल नंबर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, चारों ही केस में AP रहेगी। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कॉमन डिफरेंस में भी उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। ये सेकेंड है। एग्जाम्पल से चेक करना चाहो तो कर लो, आपने 1, 3, 5, 7, 9 ये AP ले लिया, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 और K आपने सपोज 5 ले लिया। अब देखिए 1 प्लस माइनस 5, 3 प्लस माइनस 5, 5 प्लस माइनस 5, 7 प्लस माइनस 5, 9 प्लस माइनस 5, तो इससे क्या आया, प्लस वाले तो हो गए 6, 9, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सब्ट्रैक्ट करने पर -4, -2,
जीरो टू फोर ऑलवेज इन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी वन बराबर टू, सेम ही आया देख लो। तो आपने ऐड किया फाइव को सब में तो एपी आई, कॉमन डिफरेंस देख सकते हो एट माइनस सिक्स टेन माइनस एट टू ही है, और सब्ट्रैक्ट किया तो भी एपी आ गई और डी चेंज नहीं हुआ। फिर आपने कहा वन इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव, फाइव इंटू फाइव, सेवन इंटू फाइव, नाइन इंटू फाइव, फाइव फिफ्टीन, ट्वेंटी फाइव, थर्टी फाइव, फोर्टी फाइव एपी है, और डी देख लो आप, डी इसका हो जाएगा 15 माइनस फाइव यानी 10, 10 का मतलब हो गया 2 इंटू फाइव, फाइव इंटू टू यानी के इंटू डी वन, और इसी तरह डिवाइड कर दो आप चाहे 1 अपॉन फाइव, 3 अपॉन फाइव, 5 अपॉन फाइव, 7 अपॉन फाइव, 9 अपॉन फाइव, ये भी एपी है, और डी कितना हो जाएगा 3 अपॉन फाइव माइनस 1 अपॉन फाइव 2 अपॉन फाइव यानी डी वन अपॉन के। तो आप समझ सकते हो कि ये जो दो प्रॉपर्टी लिखी उसके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए, ये एग्जाम्पल वन का है, ये एग्जाम्पल टू का है, सेकंड प्रॉपर्टी का है। तो फर्स्ट में आपने कहा कि एपी में हर एक टर्म में कोई रियल नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, चारों ही केस में एपी रहेगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट के टाइम डी भी चेंज नहीं होगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइम में डी चेंज होगा, लेकिन मल्टीप्लाई है तो डी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया है तो डी में भी डिवाइड हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है, दो एपी आपने ले रखी है, ए वन प्लस माइनस बी वन, ए टू प्लस माइनस बी टू, ए एन प्लस माइनस बी एन, ऑलवेज इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी वन प्लस माइनस डी टू, यानी दो एपीज हैं, अगर उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमेशा एपी रहेगी, और कॉमन डिफरेंस ऐड किया है तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएंगे, और एपीज के टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया है तो कॉमन डिफरेंस भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब दो समांतर श्रेणियों के सापेक्षिक पद जोड़ दें या घटा दें, दोनों ही केस में हमेशा एपी रहेगी, और जोड़ेंगे तो उनके जो नई एपी आएगी उसमें भी दोनों के सार्वंतर जुड़ जाएंगे डी वन प्लस डी टू, और अगर सीरीज दोनों को घटाएंगे तो नई सीरीज की सार्वंतर भी घट जाएगा, मतलब डी वन माइनस डी टू हो जाएगा। फोर्थ है ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए एन बी एन एंड ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू, ए थ्री अपॉन बी थ्री, ए एन अपॉन बी एन आर नॉट इन ए पी। दो जो अपने ए पी ली है, ए पी की सीरीज, उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमेशा एपी रहेगी, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें रेस्पेक्टिव टर्म्स को तो कभी एपी नहीं आएगी। दो समांतर श्रेणियों के सापेक्षिक पद जोड़ने और घटाने पर तो हमेशा एपी आएगी, पर गुणा और भाग करने से एपी नहीं आएगी। एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लें, आपने एक तो लिया एक दो तीन चार पाँच, ये एपी है, और डी वन क्या है इसका एक। दूसरी एपी आपने ले ली मान लो तीन सात ग्यारह पंद्रह एपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस सात माइनस तीन हो गया चार। अब देखिए रेस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड करो, पहले में पहला ऐड किया, दूसरे में दूसरा ऐड किया, तीसरे में तीसरा ऐड किया, चौथे में चौथा ऐड किया, क्या हुआ फोर नाइन फोर्टीन 19, ये एपी है, और डी क्या है
9 माइनस 4 यानी 5, 5 का मतलब D1 प्लस D2, D1 एक है मतलब 1 प्लस 4। तो आपने देखा कि एपी की टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं रेस्पेक्टिव टर्म्स को तो एपी आएगा और नया कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D1 प्लस D2 होगा। और इसी तरह अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 3, 2 माइनस 7, 3 माइनस 11, 4 माइनस 15, तो देखिए क्या होगा, माइनस 2, माइनस 5, माइनस 8, माइनस 11, ये एपी आ गया। एंड डी कितना आया, माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 2, माइनस 5 प्लस 2, माइनस 3 आया। माइनस 3 का मतलब है D1 माइनस D2, 1 माइनस 4, ये माइनस 3 आया। तो आपने कहा कि रेस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड करके देख लिया, एपी आई और नई एपी का डी क्या हो गया, D1 प्लस D2, सब्ट्रैक्ट किया तो भी एपी आई और नई एपी का डी क्या है, D1 माइनस D2। अब मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो एपी नहीं आएगा, 1 इंटू 3, 2 इंटू 7, 3 इंटू 11, 4 इंटू 15, तो 3, 14, 33, 60, नॉट इन एपी, डी सेम नहीं आ रहा। और 1 बाई 3, 2 बाई 7, 3 बाई 11, 4 बाई 15 आर नॉट इन एपी, ये भी एपी में नहीं है। तो आप देख सकते हो कि दो रेस्पेक्टिव एपीज के टर्म्स को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट पे एपी आ रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे एपी नहीं आएगी। पांचवी प्रॉपर्टी है, आपने लिखा था A1, A2, An आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, आपने कह दिया D1, यानी ये कोई समांतर श्रेणी है, सार्वंतर D1 है। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट मतलब स्टार्ट से और एंड से सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनका सम हमेशा इक्वल आएगा और वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। मतलब A1 प्लस An, A2 प्लस An माइनस 1, A3 प्लस An माइनस 2, A4 प्लस An माइनस 3 और AR प्लस यहाँ है, यहाँ इसे कम है तो An माइनस R माइनस 1। ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी AP में स्टार्ट और एंड से सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं, सॉरी जो टर्म्स हैं, उनका सम हमेशा इक्वल होगा और वह फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। एग्जाम्पल ले, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड सेकंड लास्ट का सम, थर्ड थर्ड लास्ट का सम, फोर्थ फोर्थ लास्ट का सम, 1 प्लस 15, 3 प्लस 13, 5 प्लस 11, 7 प्लस 9, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि एपी में कोई भी टर्म अपने दोनों और सेम डिस्टेंस पे जो टर्म्स है उसका अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे आपने कोई ले लिया टी एन ले लिया और इससे आर डिस्टेंस पे इधर क्या है, टी एन प्लस आर, और इससे आर डिस्टेंस पे इधर क्या है, टी एन माइनस आर, तो जो टी एन है वो टी एन माइनस आर और टी एन प्लस आर का अर्थमेटिक मीन होगा, ये कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल ले, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, अब देखिए जैसे आपने ये कोई टर्म ले ली 13,
ये इधर और इधर फर्स्ट टर्म, तो 13 इक्वल टू 10 प्लस 16 बाई टू, दोनों से फर्स्ट टर्म जो है राइट और लेफ्ट में उसका अर्थमेटिक मीन। फिर आप दोनों से सेकंड टर्म ले लीजिए, 7 प्लस 19 बाई टू, दोनों से थर्ड टर्म ले लीजिए, 4 प्लस 22 बाई टू, और दोनों से फोर्थ टर्म ले लीजिए, 1 प्लस 25 अपॉन टू। तो आप देख सकते हो कि कोई भी टर्म है उसके दोनों ओर सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन होता है वो। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने एन अर्थमेटिक मीन एंटर करवा दिए थे, सेवन नंबर आपने इफ ए वन ए टू ए एन आर एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन इक्वल टू एन टाइम्स ए प्लस बी बाई टू। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हालांकि कि ए वन ए टू ए थ्री ए एन जो है दो संख्याओं के बीच में एन समांतर माध्य प्रविष्ट कराए गए हैं तो उनका योग क्या होगा, ए और बी के समांतर माध्य का एन गुणा होता है। और उसके अलावा आपने नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी है, इसलिए हम आगे दोबारा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हम और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है कि log 2 की पावर x माइनस 1, log 2 की पावर x प्लस 3, ये एपी में है तो x की वैल्यू पूछिए। ऑप्शन है 5/2, log 2 बेस 5, log 3 बेस 2 और log 5 बेस 3। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, एक क्वेश्चन है 3 की पावर 2 साइन 2x माइनस 1 14 और 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, ये एपी में है, एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं तो टी फाइव यानी पांचवा टर्म पूछा है क्या होगा, 25 12 माइनस का और 40 और 53। और एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में इफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी एंड लीस्ट एंगल 120 डिग्री है विथ कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5 डिग्री, तो देन टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो बहुभुज में 5, 9, 16 और 9 और 16, ये चार ऑप्शन आपके पास है। इन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एपी में, तो ए बी सी एपी में होता है तो क्या लिखते हैं, 2b बराबर a प्लस सी। तो आप देखिए पहले में 2 इंटू लॉग 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू लॉग 2 प्लस लॉग 2 की पावर x प्लस 3, ये लिखा। तो अब क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लॉग m प्लस लॉग n लॉग mn हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, एंटी लॉग लेने से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। एक काम करते हैं, लेट
टू की पावर एक्स को एक बार ए मान लेते हैं, तो ये हो गया ए माइनस वन का होल स्क्वायर टू इंटू ए प्लस थ्री। सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल टू टू ए प्लस सिक्स, तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए और माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। सॉल्व किया इसको, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस ए और माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ए कॉमन लिया तो ए माइनस फाइव, प्लस वन ले लिया तो ए माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ए ए माइनस फाइव और ए प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया। तो ए की वैल्यू एक तो फाइव आई, एक माइनस वन आई, और ये किसके इक्वल था, टू की पावर एक्स के इक्वल था। तो आपने कहा टू की पावर एक्स इक्वल टू फाइव, तो जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर लॉग टू बेस फाइव, और सेकंड टू की पावर एक्स इक्वल टू माइनस वन। कभी भी जो एक्सपोनेंशियल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रीज़न टू की पावर एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया इसका, कैसे आया, दोनों तरफ लॉग लिया आपने, तो लॉग टू की पावर एक्स बराबर लॉग फाइव, एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग टू बराबर लॉग फाइव, लॉग टू का डिवाइड कर दिया तो लॉग फाइव अपॉन लॉग टू, और कंबाइंड किया तो लॉग टू बेस फाइव, प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ। तो ये इसका आंसर है, तो आप देख लीजिए इसका आंसर लॉग टू बेस फाइव, तो लॉग टू बेस फाइव ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है एपी की तीन टर्म्स हैं, तो वही काम करना है इसमें भी, सेकंड में कि टू इंटू मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म, थ्री की पावर टू साइन टू एक्स माइनस वन और थ्री की पावर फोर माइनस टू साइन टू एक्स। तो ये आपके पास आ गया 28, तो 28 को 3 की पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो 3 की पावर 2 साइन 2x माइनस 1 और 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। तो 28 को 3 की पावर में लिखना चाहेंगे तो 28 होता है 1 प्लस 27, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3, ये हम जानते हैं। तो एक बार इसको 0 लेके देख लेते हैं, एक बार इसको 3 लेके देख लेते हैं, तो इसका मतलब 2 साइन 2x माइनस 1 को एक बार 0 लेके देख लो, या 2 साइन 2x माइनस 1 को एक बार 3 लेके देख लो। तो ये हो गया साइन 2x इक्वल टू 1 बाई 2, तो साइन पाई बाई 6 होता है, तो 2x इक्वल टू पाई बाई 6, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 12, और इसके हिसाब से करें तो 2 साइन 2x इक्वल टू 4, साइन 2x इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन जो भी है उसकी वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। तो अगर इसके अंदर आपसे t5 पूछा है और साथ में मान लो x की वैल्यू भी पूछ ले, तो x की वैल्यू आप बता सकते हो, अगर जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल पूछे तो भी बता सकते हो आप। ये x की वैल्यू आ गई, मतलब आपने ये क्या किया था, 2t2 बराबर t1 प्लस t3 किया था, तो इसका मतलब t1 हो गया 1, t2 हो गया 14 और t3 हो गया 27, तो d आ जाएगा आपके पास 13, और t5 चाहिए तो a प्लस 4d या t1 प्लस 4d, तो t1 1 प्लस 4 इंटू 13, तो ये हो गया 1 प्लस 52, तो कितना रिजल्ट आ गया 53, तो इसका आंसर हो गया 53। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट लिखा है एक पॉलीगन है
एक बहुभुज है जिसके अंतः कोण क्या है, समांतर श्रेणी में है, और सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है, सार्वंतर 5 डिग्री है, तो बताइए बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। तो n अपने मान लिया कि n साइडेड पॉलीगन है, ये है, लेट कंसीडर n साइडेड पॉलीगन, मान लिया कि n भुजाओं का कोई बहुभुज है। अब इसके सभी अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है, n माइनस 2 इंटू पाई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है n माइनस 2 इंटू पाई। ये हमें पता है, और हमारे पास क्या है, लीस्ट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, ये ए हो गया, और डी आपको 5 डिग्री दे रखा है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर 1 नंबर 2। ये तो हम जानते हैं, ये हमने एपी में एसएन का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वल कर दो तो क्या आया, n बाई 2 240 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो n को अंदर गुणा किया, 5n स्क्वायर प्लस 235n इक्वल टू 360 इंटू n माइनस 2, तो 360n माइनस 720 एक तरफ ले आए, 5n स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 125n आ गया, और प्लस 720 इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड कर दिया, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 से डिवाइड किया, तो 5 बन जा 5, 2, 5 4 जा और 5 4 जा, ये आया। अब इसके फैक्टर करने अपने को, तो देखिए 16 और 9 इसके फैक्टर हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया तो n माइनस 9, माइनस 16 लिया तो n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n माइनस 9 और n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 9, 16 आया। तो आपको यहाँ तक देखने से आपको लगता है कि ये होगा, अगर ये आपने कर दिया तो आपके मार्क्स गए, यानी थोड़ा भी आपने अवेयरनेस नहीं दिखाई तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है। अब आपने ये तो देख लिया कि n की ये दो वैल्यू आई, और आपने फटाक से 9 और 16 पे टिक लगा दिया। अब एक मिनट इसके अंदर और थोड़ा गौर फरमाइए, मतलब ये एंगल्स हैं कि पहला एंगल 120 है, दूसरा एंगल 125 है, 5-5 डी 5 डिग्री है ना, 5-5 एंगल बढ़ रहा है, फिर 130 है, फिर 135 है। हम जानते हैं कि पॉलीगन के अंदर कोई भी एंगल 180 और उससे प्लस नहीं हो सकता, तो आप देखिए ज़रा T9 निकाला पहले, A प्लस 8D 120 प्लस 5 इंटू 8 तो 120 प्लस 40 160 डिग्री आया, और जब आपने T16 निकाला A प्लस 15D 120 डिग्री प्लस 15 इंटू 5 डिग्री 120 प्लस 75 195 डिग्री आ गया, 180 से ज़्यादा हो गया ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 9 होगी, यानी कि पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 9। तो 9 और 16 वाला ऑप्शन गलत होगा, कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता है। तो ये आपके सामने मैंने एपी के कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हमने और लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए
एक क्वेश्चन और लिखता हूं। आपने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी देन वन अपॉन, ये तो एचपी का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। इतनी सी बात मैं बता देता हूं, आगे काम आ जाएगी, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में कैसे होंगे। वे परफेक्ट स्क्वायर जो ए पी में है, एक ही सेट है, वो है 125 और 49, ये ए पी में होता है। तो आप ध्यान रखें कि परफेक्ट स्क्वायर ए पी में उसका सेट कौन सा है, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 125 और 49, आप देख सकते हो 24 का डिफरेंस है, तीन परफेक्ट स्क्वायर है जो ए पी में। ओके, अब हम बात करना चाहेंगे, ए पी हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम बात करना चाह रहे हैं जी पी की। देखिए जी पी में हमें क्या करना है, जी पी में देखिए क्या करना है, जी पी में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी की पहले डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है वो देख लीजिए। आपने कहा इफ ए वन ए टू ए थ्री ए एन इज सेट टू बी ए जी पी, इफ देन ए टू अपॉन ए वन ए थ्री अपॉन ए टू ए फोर अपॉन ए थ्री ए एन अपॉन ए एन माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी अचर। इफ ए वन ए टू, इफ सीक्वेंस की कोई सीक्वेंस आपने ले लिया ए वन ए टू ए थ्री ए एन इज सेट टू बी ए जी पी, देन ए टू अपॉन ए वन इक्वल टू ए थ्री अपॉन ए टू इक्वल टू ए एन अपॉन ए एन माइनस वन और इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। एंड दिस कॉन्स्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो आर। कि आपने कहा कोई अनुक्रम ए वन ए टू ए थ्री ए एन गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा यदि उसके प्रत्येक पद और पूर्व पद का अनुपात हमेशा अचर हो, कांस्टेंट हो, और वह अचर अनुपात क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो यानी सार्व अनुपात आर कहलाता है। एग्जाम्पल लिया आपने, पहला एग्जाम्पल लिया 2, 4, 8, 16, 32 जी पी है, आर देखो 4 by 2, 8 by 4, 16 by 8, 32 by 16 equal to 2। दूसरा एग्जाम्पल लिया 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32 ये भी जी पी है, इसमें आर देख लो 1 by 4 divided by 1 by 2, 1 by 2 आया। तीसरा एग्जाम्पल लिया 4, 4, 4, 4 ये भी जी पी है, इसमें आर देखा 4 upon 4, 1। और चौथा एग्जाम्पल लिया आपने 3 minus 6, 12 minus 24, 48 minus 96 ये भी जी पी है, और इसका आर -6 by 3, 12 upon -6, -24 upon 12, 48 upon -24, -96 upon 48, -2 आए। तो देखिए चार अलग अलग तरह की एपी लिखी, ये आर जो है ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ इफ कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन इंप्लाइज जी पी इज इंक्रीजिंग जी पी। कि जब आपने कहा कि सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो एक से ज्यादा हो तो वो वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी या इंक्रीजिंग जी पी होगी, देखो बढ़ रही। इसमें आपने देखा लेस देन वन है, तो आपने कहा इफ आर जो है लेस देन वन इंप्लाइज
जीपी इज डिक्रीजिंग जीपी, कि आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो वह क्या है, हासमान गुणोत्तर श्रेणी या डिक्रीजिंग जीपी होती है। थर्ड एग्जाम्पल आपने देखा, आर इक्वल टू 1 है, इफ आर इक्वल टू 1 इंप्लाइज कॉन्स्टेंट जीपी, अचर गुणोत्तर श्रेणी, और बताया था कि कॉन्स्टेंट एपी कॉन्स्टेंट जीपी होती है और कॉन्स्टेंट एचपी भी होती है, अचर समांतर श्रेणी, अचर गुणोत्तर श्रेणी और अचर हरात्मक श्रेणी तीनों होती है। इसमें देखा आर नेगेटिव आ गया, लेस देन 0, तो आपने कहा इफ आर लेस देन 0 देन टर्म्स ऑफ जीपी आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि जब गुणोत्तर श्रेणी में आर जो है वो ऋणात्मक नेगेटिव हो तो जीपी के जो पद है वो एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेंगे। तो ये बेसिक, पहले तो जीपी की डेफिनेशन क्या है वो बता दी, और जीपी में भी वैरायटी आपके सामने है कि आर ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग जीपी यानी वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी, आर लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 तो डिक्रीजिंग जीपी या हासमान गुणोत्तर श्रेणी, आर इक्वल टू 1 देन कॉन्स्टेंट जीपी, और कॉन्स्टेंट जीपी है वो कॉन्स्टेंट एपी और कॉन्स्टेंट एचपी भी होती है, और आर नेगेटिव है तो जीपी के टर्म्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। इसके बाद देखिए आप, स्टैंडर्ड जीपी मानक गुणोत्तर श्रेणी, कि स्टैंडर्ड जीपी या मानक गुणोत्तर श्रेणी क्या है, आपने कहा ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन माइनस 1 ए आर एन यूं चलेगा। तो इसमें देखिए पी 1 है ए फर्स्ट टर्म, टी 2 आपके पास ए इंटू आर, टी 3 आपके पास ए आर स्क्वायर, टी 4 आपके पास ए आर क्यूब, टी 5 आपके पास ए आर 4 चलता रहेगा। तो जो टर्म है आर की पावर एक कम है, तो जनरल टर्म टी एन लिखूं तो टी एन या एन ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। हियर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म और आर इक्वल टू कॉमन रेशियो, यानी ए प्रथम पद और आर क्या है सार्वानुपात, तो ये क्या है और टी एन क्या है, पहले भी बताया था nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग की शुरुआत से nवां पद, ये tn है। तो ये आपने देख लिया स्टैंडर्ड जीपी का जनरल टर्म, स्टैंडर्ड टर्म देखा और फर्स्ट nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सामने। अब इसमें बात करें सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, जीपी में प्रथम n पदों का योग, एस एन चाहिए तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन होता है, फर्स्ट n टर्म्स का सब सिग्मा टी एन, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n माइनस 1, तो एस एन आ जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 वेयर आर ग्रेटर देन 1 एंड जब आर लेस देन 1 होगा तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके और कैंसिल कर दीजिए, तो ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब आर लेस देन 1, तो ये लगा सकते हो। तो ये टी एन का फॉर्मूला हो गया और ये आपके सामने एस एन का फॉर्मूला हो गया। अब चाहिए हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, कि गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग, तो हमें क्या चाहिए, एस इनफाइनाइट चाहिए, तो लिमिट एन टेंड्स टू अनंत एस एन लिख सकता हूं।
तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये कर दिया आपने, तो एस इनफाइनाइट जो है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट, अगर आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है तो ये आएगा ए अपॉन वन माइनस आर, इसका मतलब है मोड आर लेस देन वन, अगर मोड आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया तो ये क्या आएगा इनफाइनाइट। तो फाइनली ए प्लस एस इनफाइनाइट जो है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर, जब मॉडुलस आर लेस देन वन यानी आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी। तो इस तरह से आप इसके अंदर तसल्ली से जीपी के मैंने आपको टी एन एस एन और एस इनफाइनाइट बता दिया है। अब इसमें कल हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जीपी की थ्योरी आगे बढ़ाएंगे।